तो ये है एक इलीगल पोशन विद एवरी इफेक्ट इन माइनक्राफ्ट। इसको सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा तो क्या होता है कि मुझे ये पोशन सर्वाइवल में मिल जाता है। तो कुछ टाइम पहले इस SMP का मैनेजर एक इवेंट अनाउंस करता है। उसमें लिखा था कि इस पूरे SMP में कहीं पर भी एक बिल्डिंग होगी, उस बिल्डिंग के टॉप पे एक चेस्ट होगा जिसमें एक इलीगल पोशन रखा होगा। जो उस तक पहले पहुंचेगा वो पोशन उसका होगा, लेकिन ये पोशन लेना इतना भी आसान नहीं होगा। और हिंट के तौर पर वो हमें बताता है एक ब्लैक स्टोन। लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे पास SMP में खेलने के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें थी। और कुछ देर बाद मैं SMP में नॉर्मली खेलने लग गया था। तभी कुछ ऐसा होता है जो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक सेकेंड, ये तो बैटमैन नहीं, बैटमैन यहाँ कहाँ से आएगा? वेट अ सेकेंड, ये कुछ एक सेकेंड यार, इसको मारने तो पहले तेरी ऐसी की तैसी मुझे मारेगा बेटे। वेट, ये क्या है? ये 101% ब्लैक स्टोन है ना? ये एक सेकेंड, ब्लैक स्टोन है ना? ओ ये तो, अरे ये तो वो है। हाँ, आज सुबह ही मैनेजर ने अनाउंस किया था ना वो इवेंट के बारे में। यप, आई थिंक भाई ये हिंट में दिया था ना। एक सेकेंड, ये मुझे कैसे मिल गया? पर मैं तो यार भाई व्हाट द हेक, मैं तो एक्सप्लोरेशन पे आया था। खैर चल के देखते हैं इसके अंदर क्या। आखिर वेट, यहाँ पे एक चेस्ट है, लिटरली यहाँ पे एक ये चेस्ट ओके है। देखते हैं इसमें क्या है। ओके वेट, इसके अंदर एक बुक है, बुक एंड क्विल, एक से ले लेते हैं इसको, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ हाँ हाँ, यू मेड इट, तुमने आखिर ये ढूंढ ही लिया, अब तुम्हें ये मिल गया है, तो ये लो इस बड़े से टावर के कोऑर्डिनेट। एक सेकेंड, ये तो शायद वही टावर है ना? और हाँ, उधर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और अगर तुम असली माइनक्राफ्ट प्लेयर हो तो ही तुम इस चीज़ को ले पाओगे। ये क्या भाई? यस, रेंडमली मुझे वो पोशन के कॉर्ड्स मिल जाते हैं, और जब किस्मत खुद चाहती है कि मेरे को वो इलीगल पोशन मिले, सो वाई नॉट। तो फिर क्या था, मैं निकल जाता हूँ उस कॉर्ड्स पे पोशन लेने के लिए, लेकिन रास्ते में मुझे एक बंदा मिलता है। एक सेकंड, ये इधर कोई है? वेट अ सेकंड, ये कौन है? ये तो शायद मिस्टर डूब है। लॉल भाई, ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है? एक सेकंड, इसके बाद नेदराइट आर्मर क्या कर रहा है भाई? दो मिनट इसका पीछा करते हैं जरा। यो 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 मिस्टर डूब, हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हो भाई? भाई मैं तो यहाँ वो इलीगल वाला पोशन ढूंढ रहा हूँ, बट आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओ अच्छा ब्रदर, वैसे मैं बताऊँ, मेरे पास ना वो पोशन की कॉर्ड्स है, मेरे साथ चलोगे ढूंढने? ये देखो, ये बुक पढ़ो। रियली? अरे क्यों नहीं यार, चलते हैं साथ में। बट आपको पता है ना, रास्ते में वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, पहले तो आप ये वाला आर्मर पहन लो। हाँ ठीक है, लाइक बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप पहली बार मेरी मदद कर रहे हो। ओके पहन लेता हूँ भाई। ओके तो चलो मिस्टर नूप, चलते हैं, लेट्स गो। तो मिस्टर नूप अब मेरा टीममेट बन चुका था, और अब हम दोनों निकल जाते हैं उस इलीगल पोशन को ढूंढने के लिए। हाँ वो तो बात यार सही यार, कभी कभी होता है यार ऐसा, भी मेरे साथ भी हुआ है, जब मैं ऐसा एडिटिंग कर रहा होता हूँ भाई, इतना बोर हो जाता हूँ 4-5 घंटे। ए वो भाई मिल गया, भाई शायद भाई है ना मिस्टर डूब, वो भाई ये भाई है ना। ओके भाई लेट्स गो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ मिस्टर डूब, आप रेडी हो? चलो चलते हैं इसके अंदर। ओके क्या आप रेडी हो मिस्टर डूब? ओके आई थिंक आप रेडी हो, लेट्स गो। आक्रमण! ओ शिट भाई, इधर तो सब बंदे हैं भाई, वैसे मैं सही बोल रहा था, चलो कुछ और तो नहीं है ना? एक सेकंड, एक बंदा, दो, ओ शिट भाई दो लोग इधर। ओके भाई स्टार्ट करो मिस्टर डूब, छोड़ना मत एक एक को, जिंदा मत छोड़ना बिल्कुल भी। ओके शिट, ओके अच्छा वैसे तो मैं डायमंड आर्मर मार देंगे भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके शिट, मर जा। ओके क्या, लेट्स गो भाई फाइनली क्या। ओके ये मैं इसको मारूं, मैं इसके पीछे ही। ओ शिट, मेरे को गिरा दे भाई, कवर कवर मिस्टर डूब। ओ लेट्स गो फाइनली एक और मर गया भाई, लेट्स गो मिस्टर डूब, लेट्स गो फटाफट से ऊपर चलते हैं। फाइनली इन दोनों को तो मार दिया, आप सही बोल रहे हो, चलो फटाफट आ जाओ अभी। हाँ चलो ऊपर चलो फटाफट, लेट्स गो भाई फाइनली दो बंदी को मारने से इतना भी हार्ड नहीं था। फाइनली आई थिंक सो ऊपर वो चेस्ट होगी और लेट्स गो, हम लोग को फाइनली पोशन मिल जाएगा। ओके भाई मैं तो रेडी हूँ मिस्टर डूब, रेडी हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं। साहिल भाई आ जा बेटा, मार दी जिंदा नहीं छोड़ी भाई इसको,
भाई शिट मेरे को तो वैसे लगा था यहाँ पे ओ भाई ये तो गंदा डैमेज दे रहा है, बिल्कुल लगा था यहाँ पे चेस्ट होगी बट क्या कर सकते हैं, लास्ट बंदा है इसको भी खेल दिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेस्ट तो हमारी ना और वो पोशन भी हमारा, ओके मर जा ओ शिट ये तो मिस्टर डूब को लगनी है से क्योंकि खत्म खत्म दो आर्ट है खत्म, ओ शिट इज नहीं ओ शिट मेरी हेल्थ तो देखो ओ भाई गॉड शुरू से मेरे हील कर दे ओ भाई दिक्कत नहीं है, हाँ अब चलो अब मारते हैं चलो ऑलमोस्ट डेड है इसको और यस फाइनली मर गया वो भाई आखिरकार मार ही दिया हमने लेट्स गो। मिस्ट्री भाई आपको वो पोशन मिल गया क्या? नहीं अभी बाकी है दोस्त ये देखो ओ भाई लेट्स गो फाइनली ओपी पोशन लेट्स गो हमें ये मिल ही गया, अब हम इस एसएमपी के सबसे पावरफुल प्लेयर हो चुके हैं भाई। और अब एक सेकंड अब क्या व्हाट ओ शिट ओ माय गॉड